नमस्कार साथियों, सीजी जॉब एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नए साथी हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। 6 साल में बदल जाएगी शिक्षक भर्ती की योग्यता। जी हाँ, सही सुन रहे हैं, 6 साल में शिक्षक भर्ती की योग्यता बदल जाएगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में जो डीएलएड की पढ़ाई हो रही है, अब आने वाले कुछ सालों में डीएलएड कोर्स ही जो है पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। जी हाँ साथियों, क्या है पूरा माजरा विस्तार से जानेंगे। साथी नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, पेपर कटिंग है। देश भर में 4 वर्षीय ITEP के आधार पर बहाल होंगे शिक्षक। कहने का तात्पर्य है पूरे देश में अब जो है 4 वर्षीय ITEP कोर्स ही संचालित किए जाएंगे और छत्तीसगढ़ में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है मेरे दोस्तों। अर्थात आपके 14 जितने भी BEd कॉलेज हैं वहां पर ITEP जो कोर्स है वो शुरू होने जा रहा है। अर्थात एक एक कॉलेज में 100-100 सीटों पर दाखिला मिलेगा। 1400 सीटें जो है इस साल बढ़ेंगी। उसके बाद आने वाले कुछ सालों में पूरे जो BEd है वह बंद हो जाएगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, कुछ ही साल और है कि जो है आपके DLED चलेंगे। उसके बाद DLED के कोर्स को पूरी तरीके से बंद करने की योजना चल रही है। आपको यहां स्क्रीन पर दिख रहा है, आप देख पा रहे होंगे, वित्तीय वर्ष 2027-28 तक एक एक करके शिक्षण प्रशिक्षण के लिए अभ्यर्थियों के लिए होने वाले सभी DLED कार्यक्रमों को समाप्त कर दिया जाएगा। कहने का तात्पर्य है चूंकि ये जो जानकारी है भागलपुर बिहार की है, लेकिन ये जो भी आपको दिख रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में होना है। और आपको पता भी होगा, मैं इसके लिए वीडियो भी लाया था कि जल्द जो है DLED पाठ्यक्रम बंद हो जाएंगे। और ये बिल्कुल सटीक और सही जानकारी है, एक एक करके DLED पाठ्यक्रम को भी बंद कर दिया जाएगा। आने वाले कुछ सालों में आपको जो है ये चीज देखने को मिलेंगी। चूंकि फिलहाल 2024-25 सत्र में DLED का संचालन होगा। अगर मैं बात करूं बिहार राज्य की, तो बिहार राज्य में केवल अंतिम सत्र ही है कि DLED का संचालन हो रहा है। उसके बाद और इसके अलावा कई राज्य जैसे झारखंड समेत कई राज्यों की बात करें तो DLED जैसे शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम को समाप्त ही कर दिया है। देख पा रहे हैं आप, यहां स्पष्ट तौर पर दिया गया है झारखंड जैसे कई राज्य हैं जहां पर अब DLED जो है पूरी तरीके से बंद हो गया है। जल्द ही जो है बिहार समेत और अन्य राज्य भी जो है अब DLED कोर्स को बंद करने की योजना बना रहा है। अब शिक्षकों की भर्ती के लिए भी न्यूनतम योग्यता भी बदल जाएगी। अब क्या योग्यता रहेगी तो आप जान रहे हैं, हमारे देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू ही है शिक्षा मंत्रालय की तरफ से 6 सालों में, यानी 2030 तक जो है आप जान रहे हैं जितने भी जो BEd कॉलेज है वो भी अब बंद हो जाएगा। BEd 2 वर्षीय कोर्स बंद हो जाएगा। इसके अलावा अब जो है 4 वर्षीय जो कोर्स है पूरी तरीके से, अर्थात केवल 6 साल के अंदर में सभी कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ जो है ITEP कोर्स ही चलेगा। 4 वर्षीय BSc BEd, BA BEd या BCom BEd की ही पढ़ाई जो है पूरे देश में होगी। और BEd जो फ्रेश है वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। आपको बता दें BEd बंद तो होगी, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद 2 साल वाला BEd बंद हो जाएगा। और 1 साल अर्थात जिन्होंने PG किया है, PG के लिए BEd 1 साल वाला बनेगा। इसके लिए कार्य योजना भी बन रही है और जल्दी जो है 1 वर्षीय BEd संचालित होगा PG वाले छात्रों के लिए। तो ये जो अपडेट है निकल कर आ रही है और जल्दी जो है ये पूरे देश में सबसे बड़ी जो बताने वाली जानने वाली बात यही है मेरे दोस्तों कि अब जो है DLED पाठ्यक्रम कभी भी आने वाले सालों में बंद हो सकता है। यदि आप भी चाह रहे हैं, आप भी जो है DLED की पढ़ाई करना चाहते हैं, DLED की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो वक्त है, आवेदन कर सकते हैं। व्यापम का आवेदन समाप्त हो चुका है। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय में आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। और इसके लिए जो है आपको किसी भी स्कूल में यदि आप रेगुलर पढ़ाते हैं तभी आप पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय से अध्ययन कर सकते हैं, DLED की पढ़ाई कर सकते हैं। और बहुत ही अब कम समय बचा है मेरे दोस्तों, अर्थात कुछ ही सालों बाद आपकी जो DLED कोर्स है पूरी तरीके से पूरे भारतवर्ष में बंद हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में मैं इतना ही, ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। साथ ही नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।